मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक कांड को लेकर पूरी कहानी सामने आ गई है। शक के बाद लड़की को पकड़ा गया तो उसे अश्लील फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए। जब हॉस्टल प्रबंधन ने लड़की के मोबाइल से उसके साथी लड़के से मैसेज पर सवाल पूछा तो उसने अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रा और उसके शिमला के साथी सतनी पर आईपीसी की धारा 354 सी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ 18 घंटे पहले मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक कांड को लेकर पूरी कहानी सामने आ गई है। शक के बाद लड़की को पकड़ा गया तो उसने अश्लील फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए। जब हॉस्टल प्रबंधन ने लड़की के मोबाइल से उसके साथी लड़के को मैसेज कर सवाल पूछा तो उसने अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रा और उसके शिमला के साथी सन्नी पर आईपीसी की धारा 354 सी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी छात्र ने अपने साथी लड़के के फोटो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को दिखाए। इस केस में दर्ज पुलिस एफआईआर के अनुसार शनिवार शाम 3 बजे कुछ लड़कियां हॉस्टल वार्डन राजविंदर कौर के पास पहुंची। उन्होंने शक जताया कि आरोपी छात्रा वॉशरूम में 6 लड़कियों का वीडियो बना रही थी। वार्डन राजविंदर कौर ने लड़के से पूछा कि इसके बाद यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल मैनेजर रितु को इसकी जानकारी दी। रितु ने इन सबको लेकर आने को कहा। वार्डन आरोपी छात्र और शक जताने वाली लड़कियों को लेकर गर्ल्स हॉस्टल मैनेजर के पास पहुंची। वहां आरोपी छात्र से पूछा गया तो उसने फोटो या वीडियो बनाने से इनकार कर दिया। मैनेजर ने दावा किया कि जब उसे आरोपी छात्र का मोबाइल चेक किया तो उसमें से फोटो और वीडियो डिलीट किए हुए मिले। आरोपी छात्र के मोबाइल पर लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे, जिसके बाद मैनेजर को उस पर शक हो गया। मैनेजर ने आरोपी छात्रा को कॉल उठाने को कहा और स्पीकर ऑन करवा लिया। मैनेजर ने छात्रा को कहा कि वह कॉल करने वाले लड़के को कहे कि उसके पास जो फोटो और वीडियो है वह उसे भेजे। यह सुनकर लड़के ने उसे अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैनेजर ने सख्ती की तो आरोपी छात्रा ने सारी बात कबूल की। आरोपी छात्रा ने कहा कि यह वीडियो मैंने ही बनाया था, मेरा दोस्त सन्नी शिमला में रहता है, उसे ही यह वीडियो भेजा था। यह वीडियो और फोटो में दूसरे मोबाइल पर कैसे पहुंच गई इसके बारे में उसे पता नहीं है। पुष्टि होने के बाद मैनेजर ने इसके बारे में पुलिस को शिकायत कर दी। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेंगे, तेरे को सस्पेंड करेंगे, आज ही कंसर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो, कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। कौन है लड़का वो, क्यों भेजती है उसको इनकी वीडियो बना के? क्यों भेजती है, क्या पता तू कब 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 से इनका कर रही है सबका, जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है, ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। बनाई है बोल, पुलिस से बात जाएगी। फालतू में आपका नाम क्या?